Welcome students. Today we are going to discuss about philosophy in general and Indian philosophy in particular. Okay. So I will explain these slides in Hindi because Hindi medium students have faced difficulty in understanding this. Okay. So philosophy. Philosophy means दर्शन. सभी जानते हैं, आपने पिछले क्लास पिछले ईयर भी पढ़ा है इसको कि फिलॉसफी माने दर्शन. तो क्या कह रहे हैं, कुछ खास बातें जो आप फिलॉसफी के बारे में आपको पता होनी चाहिए. पहला पॉइंट क्या है, फिलॉसफी इज कंसीडर्ड एज मदर ऑफ ऑल साइंसेज. ठीक है, यानी कि जो दर्शन है उसको सभी विज्ञानों की माँ कहा जाता है. माँ कहा जाता है का मतलब कि सभी विज्ञान दर्शन से ही निकले हैं, या ये आप ये कह सकते हैं कि दर्शन ही सबसे प्राचीन गूढ़ प्रथम विषय है और सारे विषय सारे विज्ञान विज्ञानों का जो जन्म हुआ है वो दर्शन से ही हुआ है. तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना वृहद है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके विषय में क्या है, इट एक्सप्लोर्स द बेसिक सोर्सेज एंड एम्स ऑफ लाइफ. यानी ये एक्सप्लोर करता है, खोजता है, निकालता है. क्या निकालता है, क्या पता करता है, जो बेसिक सोर्सेज यानी कि जो जीवन के मूल उद्देश्य हैं उनका और जो मूल स्रोत है. यानी कि इसका सवाल जवाब सीधा सामना जीवन से है, जीवन के उद्देश्यों से, क्यों है, कहाँ है, कहाँ मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म कैसे होता है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, ईश्वर है कि नहीं है, ये सारी बातों से ये संबद्ध है. फिर नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स अस विद द विजडम टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ. ये हमको वो विजडम माने विवेक, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजडम एंड इंटेलिजेंस. ठीक है, ये आपके पढ़ने का प्रश्न है, इसको ढूंढिए, पढ़िए, खोजिए कि विवेक और बुद्धि में क्या अंतर है. तो यहाँ बुद्धि की बात नहीं हो रही बल्कि विवेक की बात हो रही है कि हमको ये वो विवेक प्रदान करता है जिससे हम जीवन के चैलेंजेस यानी चुनौतियों का सामना कर पाए. फिर इट इज द रेशनल अटेम्प्ट टू हैव अ वर्ल्ड व्यू, यानी कि मतलब पूर्णता की दृष्टि से संसार को देखने का ये एक तार्किक प्रयास है. पूर्णता की दृष्टि से सांसारिक संसार को पूर्णता की दृष्टि से देखना है, वर्ल्ड व्यू पूरा एक साथ को देखने का ये एक तार्किक प्रयास है. और लास्ट में क्या खास बात फिलॉसफी के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि फिलॉसफी हार्मोनाइजेस द हाइएस्ट कंक्लूजन ऑफ द डिफरेंट साइंसेस, coordinates them with one another and gives a rational conception of the whole world. यानी कि जो विभिन्न प्रकार के विज्ञान हैं उनके जो उच्चतम निष्कर्ष हैं उनका आपस में समन्वय स्थापित करती है फिलॉसफी, दर्शन. देखिए कितना बड़ा काम है दर्शन का. और coordinates them with one another, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती है एंड गिव्स अ रेशनल कंसेप्शन ऑफ द होल वर्ल्ड. पहले भी बात की गई है, रेशनल अटेम्प्ट टू हैव अ वर्ल्ड व्यू, यानी कि पूर्ण संसार को देखने का एक तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करती है और सभी प्रकार के विज्ञानों के उच्चतम निष्कर्षों का समन्वय स्थापित करती है. कौन, फिलॉसफी या दर्शन. ठीक, अब हम बात करते हैं कि कौन सी मुख्य शाखाएं हैं फिलॉसफी की. फिलॉसफी के मुख्य दर्शन की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो ये भी आप पहले जान चुके हैं, फिर जान लीजिए. इपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एक्सियोलॉजी. इपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है हिंदी में ज्ञान मीमांसा, मेटाफिजिक्स का मतलब तत्व मीमांसा और एक्सियोलॉजी का मतलब मूल्य मीमांसा. तो ज्ञान मीमांसा क्या कहती है, तो नाम से ही स्पष्ट है कि ज्ञान मीमांसा में किसकी बात होगी, ज्ञान की, तत्व मीमांसा में तत्व की, और एक्सियोलॉजी में मूल्य से संबद्ध है तो मूल्यों की बात होगी, है ना. तो ये इतना तो आप उसके नामकरण से ही समझ सकते हैं. फिर उसको थोड़ा सा और समझिए, क्या है इपिस्टेमोलॉजी, डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज एंड इट्स लिमिटेशन. यानी कि जो फिलॉसफी की ये शाखा है जिसको आप ज्ञान मीमांसा कहते हैं वो ज्ञान से संबद्ध है, यानी कि ज्ञान की प्रकृति क्या है इससे डील करती है, इससे उसका लेना देना है. एंड इट्स लिमिटेशन, और उसमें क्या कमियां हैं, कौन सी सीमाएं हैं. फिर इट डिस्कसेस फिलोसॉफिकली ट्रुथ and falsehood, validity of knowledge, nature of knowledge, knower and known, etc. यानी ये और इन बातों पर विचार विमर्श करती है, truth and falsehood, यानी कि सच क्या है, झूठ क्या है, उसको हमको किस दृष्टि से देखना है, philosophically देखना है, दार्शनिक दृष्टि से देखना है. और
वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान आपके सम्मुख है, वो कितना वैध है, कितना उसमें सत्यता है. नेचर ऑफ नॉलेज यानी कि जो ज्ञान की प्रकृति है वो क्या है. नोअर एंड नोन, जानने वाला और जानकार जो है वो क्या है, यानी कि ये सारी जानने से, यानी कि सबका सब किससे संबद्ध है इसमें, ज्ञान. ज्ञान से संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी ज्ञान मीमांसा में आ जाएंगी. फिर है तत्व मीमांसा. तत्व मीमांसा आप नाम से समझ सकते हैं कि इसमें तत्व की बात होगी. तो किन तत्वों की बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डिस्कसेस द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, यानी कि वास्तविकता के जो तीन मुख्य पक्ष हैं उनको ये डिस्कस करता है. कौन से तीन मुख्य पक्ष हैं वास्तविकता के, वर्ल्ड यानी ये संसार, द सेल्फ यानी कि स्व, एंड ये ए छूट गया यहां पे, एंड द गॉड, ईश्वर, स्व और संसार. इन तीनों जिनको कि कहा गया है कि ये वास्तविकता के तीन पक्ष हैं उनसे डिस्कस करता है, और ये सब कुछ आ जाता है तत्व मीमांसा में. और एक्सियोलॉजी इट स्टडीज वैल्यू, यानी कि मूल्यों का ये अध्ययन करती है, और इसको दो शाखाओं में बांट सकते हैं. कौन सी दो शाखाएं हैं, इथिक्स एंड एस्थेटिक्स, बल्कि लॉजिक में भी. ठीक, तो इथिक्स, एस्थेटिक्स और लॉजिक. इथिक्स क्या कहता है, डिस्कसेस द क्राइटेरिया ऑफ राइट एंड गुड, यानी कि इथिक्स हमको ये बताता है कि क्या सही है और क्या अच्छा है. यानी कि हमको सही कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, तो उनका क्राइटेरिया सेट करता है, मानदंड बताता है हमको कि कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म सही हैं. और एस्थेटिक्स क्या कहता है, डिस्कसेस द नेचर एंड क्राइटेरिया ऑफ ड्यूटी, यानी कि आपका जो कर्तव्य है, आपका जो कर्तव्य होना चाहिए उसकी प्रकृति और उसका मानदंड तय करता है, डिस्कस करता है. और लॉजिक, लॉजिक क्या बताता है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक इंक्लूड्स द मेथड ऑफ जजमेंट, न्याय से लेना देना है लॉजिक का, कि जजमेंट का तरीका क्या होना चाहिए, ये सब्जेक्ट मैटर है लॉजिक का. लॉजिक के अंतर्गत ये पढ़ना है आपको, ये पढ़ा जाता है. अब एक एक करके हम सारी अच्छा अब हम बता देते हैं आपको कि इंडियन फिलॉसफी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. चूंकि इंडियन फिलॉसफी आपकी सिलेबस में है, तो हम सिर्फ इंडियन फिलॉसफी की यहाँ बात कर रहे हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी की नहीं कर रहे हैं. तो हम ये जान लें कि जो भारतीय दर्शन है उसके मुख्य गुण क्या हैं, मुख्य विशेषताएं क्या हैं, भारतीय दर्शन किन मुख्य विशेषताओं को अपने साथ लेकर चलता है, या कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन किन बातों में आपके वो पश्चिमी दर्शन से भिन्न है. ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, द रियल्म ऑफ इंडियन फिलॉसफीज आर सो वास्ट that it is next to impossible to narrow down to common elements which are common to all philosophies. ये कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो भारतीय दर्शन इतना वृहद है, इतना विस्तृत है कि ये लगभग impossible है कि हम उसको कुछ common, मतलब सामान्य elements वाले तत्व, कुछ सामान्य तत्वों तक गिरा कर ले आए, कम करके ले आए, जो कि सब में हो, जो कि सारे भारतीय दर्शनों में कॉमन हो. इस तरीके के कॉमन एलिमेंट्स तक नैरो डाउन करना इनके एलिमेंट्स को, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज इंडियन फिलॉसफीज आर सो वास्ट, इतनी वृहद हैं, इतनी विस्तृत हैं, इतना इनका फैलाव है. फिर भी हम प्रयास करेंगे तो क्या पाएंगे, इन स्पाइट ऑफ दिस थ्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैन कम फ्रॉम द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन फिलोसफिकल थॉट विच आर. तो वो कह रहे हैं कि फिर भी अगर हम बहुत इतना वृद्धता विस्तृतता के बावजूद अगर हम बहुत कोशिश करें तो तीन बेसिक कंसेप्ट हमको ऐसे मिल जाते हैं जो कि लगभग प्रत्येक भारतीय दर्शन के मुख्य बिंदु हैं. कौन कौन से हैं वो तीन मुख्य कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, द सेल्फ और सोल यानी स्व या आत्मा, वर्क यानी कर्म, एंड लिबरेशन यानी कि मोक्ष. मोक्ष जो है वो सिर्फ भारतीय दर्शन मोक्ष की बात करता है, पश्चिमी दर्शन मोक्ष की बात नहीं करता है. कर्म, कर्म कांड आपने सुना होगा, उसकी बात भारतीय दर्शन करता है, और आत्मा की बात, सेल्फ की बात भारतीय दर्शन करता है. तो हम इन तीन बेसिक कंसेप्ट्स तक इसको नैरो डाउन कर सकते हैं जो कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंडियन फिलॉसफी का हो जाता है. इसी को आप वेस्टर्न फिलॉसफी से इसका डिफरेंशिएशन भी समझ सकते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी ये बातें नहीं कर रही है. ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं कि कौन से मुख्य जो आपके स्कूल्स हैं इंडियन फिलॉसफी के. स्कूल का मतलब सिर्फ विद्यालय नहीं होता है, स्कूल का मतलब एक साथ में सोचने समझने वाले लोगों की विचारधारा को भी स्कूल कहा जाता है, कि हम इस स्कूल को मानने वाले हैं, हम उस स्कूल को मानने वाले. उस तरीके से इंडियन फिलॉसफी के को भी बांट दिया है इन्होंने दो मुख्य धाराओं में, जिनमें से एक
जो कि ईश्वर में विश्वास रखते हैं, दूसरे जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उनको ये ऑर्थोडॉक्स कह रहे हैं या आस्तिक कह रहे हैं, और जो नहीं विश्वास रखते हैं उनको नास्तिक या हेट्रोडॉक्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स की हेडिंग में 6 फिलोसफीज आ रही हैं। कौन कौन सी 6? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक, ऊपर यही लिखा हुआ है कि वी कैन डिवाइड इंडियन फिलोसफीज ऑन मेनी ग्राउंड्स बट द सिंपलेस्ट बेसिस मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ इन गॉड और नॉट। यानी कि हम वैसे तो कई आधारों पर इसका विभाजन कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका इसमें समझ में आता है वो ये है कि वो शाखाएं, वो धाराएं, वो स्कूल्स, वो सिस्टम्स जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उनको 6 मुख्य फिलोसफीज वो हैं, 6 मुख्य दर्शन हैं, जिनको कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत कहा जा रहा है। और जो कि हेट्रोडॉक्स हैं, जो उनमें विश्वास नहीं रखते हैं, वो 3 हैं, चार्वाक दर्शन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज की बात करेंगे, हेट्रोडॉक्स के लिए हम नया वीडियो बनाएंगे, नई तरीके से बात करेंगे आपसे। ठीक है, क्योंकि फिर दोनों एक साथ करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर शुरुआत कहाँ से करते हैं? सांख्य से करते हैं। देखिए स्पेलिंग में एम लिखते हैं लेकिन हिंदी में सांख्य पढ़ा जाएगा। ठीक है, अच्छा बहुत शॉर्ट में मैंने बनाने की कोशिश की है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो लेंथी हो जाता है, फिर आपका वो कंसेंट्रेशन हट जाएगा इसमें से। तो आप इसको इन शॉर्ट एकदम जिस्ट समझ लीजिए इसका, बाकी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं वहां से। सांख्य फिलोसफी का मेन क्रक्स क्या है? होल्ड्स दैट पुरुष का मतलब यहाँ पुरुष से मत समझिएगा, ये पुरुष दूसरे अर्थ में कहा जा रहा है, द एक्सटर्नल प्योर कॉन्शियसनेस, यानी कि जो आपकी वास्तविक शुद्ध चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसको पुरुष नाम दिया है, वो भी पुरुष नहीं पुरुष बोल रहे हैं। ड्यू टू इग्नोरेंस आइडेंटिफाइज इटसेल्फ विद प्रोडक्ट्स ऑफ इट इट्स प्रकृति, ये इट स्मॉल इट आई होना चाहिए, प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्रकृति सच एज ईगो, दिस रिजल्ट्स इन एंडलेस सफरिंग। ये कह रहे हैं कि सांख्य का जो मूल बिंदु है, केंद्र बिंदु है, वो ये है कि जो पुरुष है, जो कि वास्तविक चेतना है हमारी, वो अज्ञानतावश, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता है ना, अज्ञानतावश अपने आप को प्रकृति के समकक्ष समझ लेता है, किसकी वजह से? सच एज ईगो, अहंकार की वजह से। और दिस रिजल्ट्स इन एंडलेस सफरिंग, यानी कि ये जो है एक मनुष्य की, जीव की एंडलेस अंतहीन दुखों का कारण बनता है। ठीक, तो फिर इसका निवारण क्या है? However, once the realization arises, जब ये चेतना आपके अंदर आती है, जब ये भान आपको होता है कि पुरुष is distinct from प्रकृति, यानी कि जो पुरुष, यानी कि जो चेतना है, वो प्रकृति से भिन्न है, तो जो सेल्फ है, यानी कि जो आपका स्व है, is no longer subject to suffering, यानी कि वो दुखों से दूर हो जाता है, and absolute freedom, या जिसको कैवल्य बोलते हैं, वो arises, यानी कि अब आपकी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ठीक, एक सेकेंड। फिर योग, देखिए योग आजकल तो बहुत पॉपुलर हो गया है, और योग आई थिंक आपको सबसे आसान लगेगा समझने में, और सबसे ज्यादा आपने इसका नाम सुना हुआ है, प्रचलन में है। ये कह रहे हैं कि द फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ योग स्कूल इज द योग सूत्र ऑफ पतंजलि। यानी कि महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्रों की रचना की है, वही इसका फंडामेंटल टेक्स्ट है, यानी कि उसके बारे में हमको वहीं से पता चलता है। और ये जो पतंजलि महर्षि पतंजलि है, वो कौन है? उस रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द फॉर्मल योग फिलोसफी, यानी योग दर्शन के वो फॉर्मल फाउंडर कहलाए जाते हैं। ठीक, अच्छा हम तो सिर्फ योग जानते हैं इन जनरल, लेमैन की भाषा में एक सामान्य मनुष्य सिर्फ योग के विषय में सुन रखा है, उसने जानता कितना होगा। ये कह रहे हैं कि 7 मुख्य शाखाएं हैं योग के। कौन कौन सी? आपको एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तंत्र योग, मंत्र योग और हठ योग। तो ये 7 शाखाएं योग की हैं। और योग का क्या मतलब है? योग इज यूज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ द एबिलिटी टू फुल्ली यूटिलाइज योर माइंड हैविंग इट अंडर टोटल कंट्रोल। यानी योग का अर्थ इतना है कि हमारे मस्तिष्क, हमारे मन की, हमारे दिमाग का जो पूरा यूटिलाइजेशन है, उसका हमको फायदा मिले और वो हमारे पूरे कंट्रोल में रहे।
तब तो बात साबित होती है योग की। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया है ताकि आपका इसमें रस बना रहे। फिर न्याय, जैसे कि योग योग सूत्र पे आधारित है, उसी तरह से न्याय जो है वो न्याय सूत्र पे आधारित है, और गौतम ऋषि के द्वारा लिखा गया है, वो पतंजलि ऋषि के द्वारा लिखा गया है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय दिस स्कूल इज इट्स मेथोडोलॉजी, यानी अगर ये बात की जाए कि इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या है इस स्कूल का, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है जो इसने मेथोडोलॉजी की बात की है, तरीका किस तरीके से किया जाए। तो कौन सी मेथोडोलॉजी है इनका, दिस मेथोडोलॉजी इज बेस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ लॉजिक, यानी कि जो न्याय है वो लॉजिक की बात करता है। मैंने लॉजिक में आपको बताया था कि वो जजमेंट से डील करता है, तो ये बात दोनों आपस में आगे मिल जा रही है यहाँ पे। फिर इन अकॉर्डिंग टू इट ऑब्टेनिंग वैलिड नॉलेज वॉज द ओनली वे टू गेन रिलीज फ्रॉम सफरिंग, जहां पे इपिस्टेमोलॉजी की बात की गई थी वहां वैलिडिटी ऑफ नॉलेज की बात की गई थी। तो ये कह रहे हैं कि न्याय दर्शन के अनुसार मनुष्य की जितनी भी सफरिंग्स हैं, जितने भी उसके दुख हैं, उनसे मुक्ति पाने का सिर्फ एक राय, एक तरीका है कि वो वैलिड नॉलेज को ऑब्टेन कर पाए, यानी कि वैध ज्ञान की उसकी अगर प्राप्ति हो जाएगी तो वो सभी दुखों से दूर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इट देयर आर एग्जैक्टली फोर सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ये बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? न्याय, न्याय दर्शन को मानने वाले न्याय दर्शन शास्त्री, कि जो ज्ञान है उसके चार मुख्य स्रोत होते हैं। कौन कौन से स्रोत? परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपेरिजन एंड टेस्टिमनी। ठीक है, इसके डिटेल में आप नहीं जाएंगे तब भी चलेगा। फिर बात आती है वैशेषिक। वैशेषिक क्या है? ये एक प्रकार का दर्शन है। इसमें किस बात में बात हो रही है? ये कह रहे हैं कि दिस स्कूल, यानी कि इस स्कूल को, वैशेषिक दर्शन को मानने वाले, पोस्टुलेट्स मतलब मानते हैं, ऐसी मान्यता है क्या, कि एन एटॉमिक प्लूरलिज्म इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द फिजिकल यूनिवर्स आर रिड्यूसिबल टू सर्टेन टाइप ऑफ एटम्स। ये कह रहे हैं कि फिजिकल यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का जो भौतिक स्वरूप है, उसमें जितने भी जो कुछ भी है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब को कुछ विशिष्ट प्रकार के परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है। एटॉमिक प्लूरलिज्म मतलब बहुत सारे हैं ना, तो प्लूरलिज्म हो गया। और किसका प्लूरलिज्म हो गया? एटम से एटॉमिक बनाए, यानी कि सारे प्रकार के ऑब्जेक्ट्स रिड्यूस किए जा सकते हैं, घट के छोटे से छोटा जो उनका निम्नतम रूप है वो एक एटम का है। फिर क्या कह रहे हैं? ब्रह्म इज रिगार्डेड एज द फंडामेंटल फोर्स दैट कॉजेस कॉन्शियसनेस इन दीज एटम्स। और जो ब्रह्म है उसके पास वो सार्वभौमिक सत्ता है, वो ताकत है, वो शक्ति है, जिसकी वजह से वो इन अणुओं में, सॉरी मॉलिक्यूल बने एटम परमाणु, वो इन परमाणुओं में चेतना का कारण बनती है वो सत्ता। यानी कि जितने भी परमाणु हैं सब चेतना से भरे हुए हैं, चेतना शून्य नहीं है। और इस स्कूल यानी इस दर्शन की स्थापना या चलाने वाले या इसके प्रणेता कौन है? कणाद ऋषि हैं। ठीक ये पता होना चाहिए आपको। न्याय के गौतम ऋषि हो गए, फिर आपकी योग के पतंजलि, और वैशेषिक के कणाद, है ना। देखिए न्याय के क्या थे? गौतम थे ना। तो और क्या कह रहे हैं? देयर आर नाइन क्लासेस ऑफ रियलिटीज। देखिए आप जब दर्शन पढ़ते हैं तब आपको कितनी सूक्ष्मताएं पता चलती हैं जो हमको और किसी विषय में नहीं मिलती। ये कह रहे हैं जो रियलिटी है उसकी भी 9 वर्ग हैं। रियलिटी का मतलब वास्तविकता। अब वास्तविकता, कभी किसी ने सोच रखा है कि वास्तविकता के भी वर्ग हो सकते हैं? हम लोग तो एग्जैक्टली वास्तविकता क्या है इसको ही नहीं समझते हैं। ये कह रहे हैं फोर क्लासेस ऑफ एटम्स, चार वर्ग तो इसमें एटम्स के हैं। कौन कौन से एटम्स? अर्थ, वाटर, लाइट एंड एयर। ठीक, यानी कि पृथ्वी, जल, प्रकाश एवं वायु, ये तो एटम्स हैं। स्पेस, आकाश, टाइम, काल, डायरेक्शन, दिशा जिसको दिक कह रहे हैं, इन्फिनिटी ऑफ सोल्स, आत्मा एंड माइंड, मन। तो चार वो एटम और पांच ये मिला के 9 क्लासेस ऑफ रियलिटीज हैं जिनकी बात वैशेषिक दर्शन करता है। ठीक, वैशेषिक के बाद आ जाइए पूर्व मीमांसा में। पूर्व मीमांसा को मानने वाले या पूर्व मीमांसा जो दर्शन है वो किसकी बात करता है? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पूर्व मीमांसा स्कूल वाज टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ द वेद। ठीक है, यानी कि पूर्व मीमांसा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ इतना कि वो जो वेदों की सत्ता है उसको एस्टैब्लिश कर सके। Consequently, this school's most valuable contribution to Hinduism was its formulation of the rules of Vedic interpretation.
मतलब कि इस स्कूल यानी कि इस दर्शन, इस स्कूल को मानने वाले, इस दर्शन को मानने वालों का जो सबसे मूल्यवान कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान है हिंदुइज्म, हिंदुत्व के लिए, वो क्या है? सॉरी, फॉर्मुलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ वैदिक इंटरप्रिटेशन, यानी वेद जो है उनका जो इंटरप्रिटेशन निकाला गया है, उनके अर्थ निकाले गए हैं उनके सूत्रों के, उनके उसमें जो कुछ भी लिखा है उसका, उसके रूल्स का फॉर्मुलेशन, यानी कि वेदों की सत्ता की स्थापना और वैदिक इंटरप्रिटेशन के रूल्स का फॉर्मुलेशन, इसका किसका? पूर्व मीमांसा का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि न्याय का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? उसकी मेथोडोलॉजी, जो कि मेथोडोलॉजी क्या थी? लॉजिक, और लॉजिक में किसकी बात होती है? न्याय। ठीक है, अच्छा, ये सब आपस में एक दूसरे से कंपेयर करते चलिए, तभी आपको याद हो पाएगा, तभी आप समझ पाएंगे। और क्या बात कर रहे हैं पूर्व मीमांसा? दे बिलीव इन द पावर ऑफ द मंत्र एंड यज्ञ टू सस्टेन ऑल द एक्टिविटी ऑफ द यूनिवर्स। ये इस बात में विश्वास रखते हैं, ये कौन? पूर्व मीमांसा को मानने वाले, कि इस ब्रह्मांड की सभी एक्टिविटी, सभी क्रियाओं के सस्टेनेंस के लिए मंत्र और यज्ञों की आवश्यकता है, या मंत्रों और यज्ञों की शक्ति से सब कुछ इस ब्रह्मांड का संचालित हो सकता है। फिर इन कीपिंग विद दिस बिलीफ दे प्लेस ग्रेट इम्फेसिस ऑन धर्म। इस विश्वास को ध्यान में रखते हुए पूर्व मीमांसा को मानने वाले धर्म पर सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, विच कंसिस्टेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिचुअल्स, यानी कि वैदिक जो कर्म कांड है उसकी इन्होंने स्थापना की, उसकी परफॉर्मेंस की कंसिस्ट किया, और एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द वेद्स में वन अटेन सेल्वेशन। और वैदिक जो प्रिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, जो प्रिस्क्राइब किया गया है, जो रिचुअल्स बताए गए हैं, उनको करने से ही, उनके अकॉर्डेंस मतलब उनके अनुसार चलने से ही में वन अटेन सेल्वेशन व्यक्ति को स्व को जीव को मुक्ति मिल सकती है। ठीक, अब आ जाते हैं वेदांत पे। वेदांत, जैसा कि इतनी हिंदी आप जानते होंगे कि वेद धन अंत से बना है वेदांत, तो वेदों का अंत यानी ये क्या क्या कह रहा है कि वेदांत और लेटर मीमांसा, जैसे वो पूर्व मीमांसा है तो उसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। अच्छा, उत्तर का मतलब सिर्फ आंसर वाला उत्तर नहीं होता, उत्तर का मतलब पश्च भी होता है। पश्च मतलब बाद में, जो बाद में आया, जो लेटर है वो उत्तर भी है, वो पश्च भी है। तो इतना हिंदी इंग्लिश आपको पता होना चाहिए। तो द वेदांत और लेटर मीमांसा स्कूल कंसेंट्रेट्स ऑन द फिलोसॉफिकल टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद्स रादर देन द रिचुअलिस्टिक इंजंक्शंस ऑफ द ब्राह्मण्स। ठीक, अच्छा, उपनिषद का भी मतलब है, उपनिषद को उसका संधि विच्छेद करते हैं तो उपधन निधन शब्द हो जाता है, मतलब गुरु के समीप बैठ के पढ़ना से मतलब है इसका, है ना। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा आपकी बुक्स में। ये कह रहे हैं कि जो वेदांत या जो लेटर मीमांसा है वो उपनिषद की फिलोसॉफिकल टीचिंग पे ज्यादा कंसेंट्रेट करती है, बनिस्पत किसके कि जो कि रिचुअलिस्टिक वैदिक रिचुअल्स की बात पूर्व मीमांसा कर रहा था उस पे ज्यादा इंफेसिस न करके उपनिषद की फिलोसॉफिकल टीचिंग पर ज्यादा महत्व अपना स्थापित करती है। इटाइमोलॉजिकली वेदांत मीन्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ नॉलेज इन द वेद, यानी कि अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो वेदांत, जैसे मैंने बताया आपको वेद धन अंत, वेदों का अंत है, तो जो वेद में नॉलेज का लास्ट सेगमेंट दिया गया है उससे ये संबद्ध रखता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ज्ञान नॉलेज और कांड सेक्शन, यानी ज्ञान कांड से ये अपना संबंध ज्यादा रखता है, जबकि अर्लियर सेगमेंट ऑफ द वेद है सेगमेंट्स ऑफ, ये एन एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है, व्हाइल द अर्लियर सेगमेंट्स ऑफ द वेद्स आर कॉल्ड कर्मकांड। यानी आप ये कह सकते हैं कि पूर्व मीमांसा को आप कर्मकांड और उत्तर मीमांसा या वेदांत को आप ज्ञान कांड से समझ सकते हैं। और क्या बात करता है ये कि सेल्फ कॉन्शियसनेस इज कंटिन्यूअस विद एंड इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम कॉन्शियसनेस ऑफ ब्राह्मण या ब्रह्म, सॉरी, है ना। तो जो स्वचेतना है वो इज कंटिन्यूअस विद एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि वो डिस्टिंग्विश करने का मतलब कि उसको उससे अलग समझ सकते हैं, और इनडिस्टिंग्विश का मतलब कि अलग नहीं समझ सकते, यानी कि स्व की चेतना और ब्रह्म की चेतना आपस में मिली हुई है, वो एक दूसरे से अविभक्ति विभक्त, एक दूसरे से विशिष्टता उसमें इतनी नहीं है कि स्व अलग है ब्रह्म अलग है, बल्कि दोनों मिलकर आपस में एक हो जा रहा है। ठीक, अच्छा, अद्वैत, अद्वैत का मतलब क्या होता है? जैसे आप जानते हो ना अद्वितीय, जैसे बोलते हैं आप किसको भी, कितना अद्वितीय है, अद्वितीय का मतलब कि उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, है ना।
तो अद्वैत का भी लिटरल मीनिंग वहीं से निकलेगा. लिटरली मीन्स नॉन डुअलिटी, यानी कि दो नहीं है. ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्नॉलेज्ड वेदांतिक स्कूल, सबसे पुराना और सबसे ज्यादा माना जाने माना वेदांतिक स्कूल है जिसको अद्वैत कहते हैं. फर्स्ट ग्रेट कॉन्सोलिडेटर वॉज आदि शंकराचार्य. देखिए कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई, यहाँ वॉज में ए आना चाहिए था, है ना. वॉज आदि शंकराचार्य, यानी कि आदि शंकराचार्य जो है वो इसके पहले मुख्य प्रणेता माने जाते हैं. और ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है कि ब्रह्म इज द ओनली रियालिटी एंड देयर एग्जिस्ट नथिंग वॉट सो एवर विच इज नॉट ब्रह्म. ये कह रहे हैं कि एकमात्र जो वास्तविकता है वो ब्रह्म की है और कोई ऐसी चीज का अस्तित्व नहीं है जो ब्रह्म नहीं, यानी कि सब कुछ ब्रह्म में है ना. अद्वैत दो नहीं है, ब्रह्म और स्व की इन्होंने बात नहीं की, सब कुछ जो क्या है वो एक ही है, ब्रह्म है. द अपीयरेंस ऑफ डुअलिटीज एंड डिफरेंसेस इन दिस वर्ल्ड इज एन सुपर इम्पोजिशन ऑन ब्रह्म कॉल्ड माया. यानी माया को अज्ञान से उसका सिनोनिम है, मतलब अज्ञान का ही दूसरा रूप माया है. तो कह रहे हैं माया या अज्ञान के कारण जो मनुष्य है वो अपने आप को ब्रह्म से अलग समझ लेता है, जबकि कोई अंतर ब्रह्म और मनुष्य में नहीं है. कोई भी प्रकार का दुव्यवहार द्विव्यवहार या कोई भी प्रकार का अंतर स्व में और आत्मा में, स्व में और ब्रह्म में नहीं है. और अगर ये अंतर ऐसा महसूस होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ माया या अज्ञान के कारण होता है. माया इज द इल्यूजनरी एस्पेक्ट ऑफ ब्रह्म, है ना. यानी कि भ्रम की स्थिति माया से उत्पन्न होती है. और लास्ट में विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत के जो प्रणेता हैं वो रामानुजाचार्य हैं, वो शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं. वाज़ द फोरमोस्ट प्रोपोनेंट ऑफ द फिलोसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैत एंड इट एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सुप्रीम बींग विद एसेंशियल क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स. ये भी अद्वैत है लेकिन इसमें क्या जुड़ गया है, विशिष्ट. तो उसी तरह से समझ लीजिए अद्वैत में क्या कह रहा था कि दो नहीं है, सिर्फ एक है. एक कौन है, ब्रह्म है. कौन दो नहीं है, स्व से कोई डिफरेंस नहीं है उसका. तो इसमें भी एक सुप्रीम है लेकिन विशिष्ट है ना, इसलिए उसमें कुछ एसेंशियल क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स के साथ है. ठीक. ओ माय गॉड, आई थिंक इट इज ओके. ठीक है, तो इतना ही मैंने इस वीडियो में बनाया है आपके लिए कि सिर्फ हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी की बात करेंगे. अब नेक्स्ट वीडियो में हम हेट्रोडॉक्स की बात कर लेंगे आपसे, तो आप जिसमें कि जैनिज्म, बुद्धिज्म और चार्वाक आ जाता है. ठीक, तो आई थिंक कि अब आपको समझ में आ जाएगा. ओके, थैंक यू.